बेहच्ची परम महाशांती। प्रथमतः माँ बापूजींना कोटी कोटी नमन। त्यांनी दिलेल्या आशीर्वादानेच आपण बेहच्चे ज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। या सर्व कामामध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणारे, कायम प्रोत्साहन देणारे अनंतभाई। आज अनंतभाईंनी लॉकडाऊन पासून सुरू केलेल्या लाईव्ह मेडिटेशनचे 1000 भाग पूर्ण होणार आहेत। त्याबद्दल बेहच्चा अमर परिवारातर्फे अनंतभाईंचे खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा। बेहच्चे ज्ञान विश्वातील हरेक आत्म्याला लवकरात लवकर पोहोचवून त्याची आत्मजागृती व्हावी हा विचार बापूजींना पूर्णपणे समर्पित करूयात। आणि आपले मार्गदर्शक, हितचिंतक आणि मोटिवेशनल स्पीकर, आत्मजागृतीचे अभियान सुरू करणारे अनंतभाई यांचे आपण काही क्लिपिंग्स पाहूयात। सुरू करो, आत्मजागृती सुरू करो, परमात्मा के प्रति अवेअरनेस तुम्हारी सुरू हो। ये कोरोना का ट्रेलर आके चला गया, जितने लोग जाग गए नहीं जागे उनके लिए अब कोई नया ट्रेलर आएगा। तो ये ट्रेलर धरती लोग पे होते ही रहते हैं, आज से नहीं पहले से होते रहे हैं। 1947 में उस वक्त सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो भी एक जागृति के लिए ही हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है आत्माएं फिर भी नहीं जागी। क्या उस वक्त आप लोग नहीं थे धरती पे? सोचो, थे तो सही लेकिन उस वक्त पता ही नहीं था कि, क्योंकि ज्ञान ही नहीं आया था तो कहां से जागृति होगी, सीधी सी बात है ना। ज्ञान आया, बापूजी आए धरती पे, उन्होंने ज्ञान को उतारा, बेहद के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया। अब हमें अपने आप की वैल्यू समझ आई, अब हमें इस ज्ञान की वैल्यू समझ आई, अब हमें ये पता चला कि कैसे हम मनुष्य अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है मोक्ष पाने के लिए। बढ़िया से बढ़िया कर्म करते हैं, चार धाम की यात्रा करता है, दान पुण्य सब कुछ करता है, लेकिन हर कर्म का एक फल होता है। तो भगवान ने पहले ही बोला कि कर्म का जो फल मिलने वाला है तुझे, उससे मुक्त होकर कर्म कर, के भगवान ये तुम्हें समर्पित, मुझे नहीं चाहिए, तो तुम्हें वो कर्म बांधेंगे नहीं। और कर्म जब बांधेंगे नहीं तो ये नियत कर्म जब पूरे होते जाएंगे, जो नियत आपके जो कर्म सामने आने वाले हैं, जब धीरे 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 वो चुकते हो जाएंगे और नए कर्म के लिए आप अपने आप को बांधेंगे नहीं, तब जाके एक दिन आपका हिसाब किताब पूरा होगा और उस दिन आपका मोक्ष होगा। और ये जीते जी होगा, मरने के बाद की बात अलग है, जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है, वो भी ज्ञान से। तो जरूर से हमारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको पता चले कि ज्ञान क्या है, महत्व क्या है। ज्ञान के बिना कोई भी ऐसा कर्म नहीं है कि आपको वो मोक्ष प्राप्ति कराए, क्योंकि आप जितना भी दान करेंगे उसके बदले में आपको स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग भी टेम्पररी है। तो हमेशा ये हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, शास्त्रों में कहा गया है, तो कैसे जाने? तो देखिए, कहने में तो बहुत आसान है कि हम ही ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन जब तक वो रियलाइजेशन ना आए, जैसे कोई बोले कि मैं वकील हूं तो जब तक तुम उसके कपड़े ना पहनो, तुम्हें वो ज्ञान ना हो तो वो उसकी फीलिंग नहीं आएगी। तो ऐसे ही अगर तुम ब्रह्म स्वरूप हो तो पहले तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं हूं, मैं 84 लाख योनि का जीव नहीं, परंतु मैं वही दिव्य चैतन्य आत्मा हूं। अब वो जब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो वो लक्षण जो ऊपर से हमारे अंदर थे वो फिर सामने आने शुरू हो जाएंगे। जब लक्षण हमारे सामने आएंगे, हम लक्ष्य को धारण करेंगे कि मुझे वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा बनना है, मैं ही वो था और अभी मैं ह्यूमन फॉर्म में हूं और ये अनंत जन्म की ये मेरी स्टोरी अब समाप्त होने वाली है, तब जाके जो है आप ये समझ पाएंगे कि मैं ही जीव से शिव बनने वाला हूं, मैं ही वो शिव तत्व हूं, मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूं। परिस्थिति के अनुरूप अपनी राय मत बनाइए। क्यों? क्योंकि एपिसोड नंबर 887 देखिए, इसके अंदर लाइव मेडिटेशन का हमारा था, उसमें पहले 10 मिनट में हमने चर्चा की थी। शॉर्ट में बताऊं कि एक व्यक्ति प्यासा था, ऊपर से एक व्यक्ति ने फ्लैट से बोला कि पानी पीना है मैं देता हूं, लेकिन 15 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसने सोचा मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। लेकिन बाद में उसने पानी की जगह शरबत पिलाया, अब शरबत में शुगर थी नहीं, तो उसने सोचा कितना घटिया बनाया, लेकिन शुगर वो हाथ में लेके आया था, तो उसने फिर सिचुएशन बदल दी। हर पल सिचुएशन बदलती गई कि ये पानी वाकई में देगा। फिर उसने सोचा कि 15 मिनट तक तो आया नहीं, अब खट्टा पानी पिला रहा है, शुगर तो दी नहीं। तो हम नहीं समझ सकते परिस्थितियों को, क्योंकि वो कर्मों के अकॉर्डिंगली होने वाली है। तो अपनी राय बना के रखो कि हम अच्छे हैं, अच्छा ही होने वाला है। भगवान की सृष्टि बढ़िया है तो अपनी सृष्टि तो हम बढ़िया बनाए। तो राय अपनी बढ़िया रखो तो कर्म बढ़िया होंगे तो फल भी बढ़िया ही होंगे। पुनः जन्म से बचने का क्या उपाय है? तो भैया, मोक्ष ही अंतिम उपाय है, लेकिन ज्ञानी तो बनना पड़ेगा ना। ज्ञान के बिना तो कुछ होने वाला नहीं।
धरती लोक पे ऐसा एक भी कर्म नहीं है कि ये कर्म करते ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। दान करो, पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन उससे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग भी टेम्पररी, ठीक। लेकिन अगर तुम ज्ञानी बन जाते हो तो ही तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, तो भी तुम पुनः जन्म से बच सकते हो। अगर सूक्ष्म भी कर्म के हिसाब किताब बाकी है तो पुनः जन्म तो होगा। अच्छे कर्म कंबल खूब बांटे हैं तो मुड़ मुड़ के कंबल तो आएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति तो होगी, लेकिन स्वर्ग में ज्ञान नहीं मिलने वाला, ज्ञान तो धरती लोक पे मिलता है, स्वर्ग पे सिर्फ भोग है, ठीक है। तो अगर भोग योनि में नहीं जाना है, देवता भी एक भोग योनि है, तो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करो, ब्रह्म समान बनो, तो पुनर्जन्म से बचने का एकमात्र उपाय ज्ञान मार्ग। ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनो, बस ओनली। एपिसोड नंबर 887 जरूर देखो, पुनर्जन्म के रहस्य। आज आत्मा का ज्ञान हर एक संस्थाओं में दिया जाता है, लेकिन आत्मा से परे हमारे वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों में लिखा है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन जब तुम ब्रह्म स्वरूप बनोगे, तब हमारी आत्मा की जर्नी क्या है, जर्नी ऑफ सोल क्या है, कब से हम धरती पे हैं, वापिस हमें कब जाना है, कैसे जाना है, ये परिवर्तन का समय है। तो ये बेहद का ज्ञान जो है आपको वो रिवर्स जर्नी में लेके जाएगा कि आप वही अनंत ब्रह्म स्वरूप हो, राइट। तुम ही वो शिव, परम 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 शिव हो, वही तुम परम 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 आत्मा हो, राइट। तो बेहद लिमिट से परे, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से परे, परम तत्व, परम लाइट की दुनिया, वो हमारा सोर्स है। और पासवर्ड है ज्ञान, बिल्कुल। तो ये ज्ञान, ये पासवर्ड है, जो ज्ञान से तुम्हारा थर्ड आई खुल जाता है, तुम्हारी आत्मा की आंखें खुल जाती है, तुम्हारे को सत्य प्रकट एकदम चैतन्य दिखाई देने लगता है और तुम परम आनंद में आ जाते हो। यस, बेहद के जवेरी, बिल्कुल। तो बेहद के बाद जो है वो सबको चुन चुन के तैयार करते हैं, उनकी कीमत बताते हैं कि बेटे तुम ये हो, तुम्हें अब जागना है, तुम्हें करना ये है। तो तुम अपना मूल्य समझ लो, बस एक बात, अगर तुम अपना मूल्य नहीं समझोगे तो जो कोई तुम्हारा मूल्य तय करेगा तुम उसी के अनुरूप चलोगे। तुम वो संस्था में फंस गए, इसके करोड़ लोग फॉलोवर हैं, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, पीएम सीएम सब जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं जी, तो बस तुम्हारी मूल्य वहीं पर ही अटक जाएगी। जो सत्य, जो तुम्हारी मूल्य है, वो कोई नहीं आंक पाएगा। तो जो चीज टेम्पररी है, अगर उसको पाने की तुम कामना करते हो तो फिर तुम दुख में तो फिर आने ही वाले, क्योंकि अनंत काल का सुख धरती पर नहीं है, मृत्यु लोक में नहीं हो सकता। सीधी सी बात, अनंत काल का सुख तो अमर लोक में होता है, मृत्यु लोक में नहीं मिलता। जहां जीवन मृत्यु है वहां सुख कैसा, जहां सनातन है, जहां सनातन, जो सनातन सत्य है, राइट, वहां पर ही परम शांति मिलती है। ओम शांति नहीं, ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, परम शांति, बेहद की कला की परम शांति। इसीलिए बापूजी ने परम शांति शब्द बोला, जहां परम धाम में जाके ब्रह्मांड की आत्माओं को शांति मिलती है, उसके लिए परम शांति और बेहद की परम शांति। बेहद इनफाइनाइट क्रिएशन से भी ऊपर, ऐसे अनंत अनंत परम धामों से भी ऊपर जो जगह है, वहां है बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. Behad ki param shanti so.